Welcome back to my channel. With continuing series about the tense learning, आज मैं आपके सामने new tense लेके आया हूँ, that is past indefinite tense. आपको पता है हमने past शुरू करना है आज और हमने present tense पूरी तरह से कर लिया है. I hope मेरे वीडियो से आपको present tense सीखने में help हुई होगी और मैंने आपके साथ present के सारे चार tense clear किए हैं और आगे मैं आपके साथ past के भी सारे tense clear करूँगा, then future के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता कैसे है. इसका मीनिंग है जो काम हो चुका है. जैसे मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैंने मेहनत की, तो इनके लास्ट में आता है आ ए ई. ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है. अगर आगे हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके साथ हम लगाते हैं डिड और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है. बट यहाँ हम डिड को यूज़ करते हैं, उसके साथ हमेशा हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं. ये आपने याद रखना है, जहाँ डिड होगा वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म होगी और वैसे नॉर्मल यहाँ क्या लगती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म. आगे बात करते हैं सिंपल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टेंस में, सेंटेंस में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे सिंपल की, और जब हम सिंपल की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म. नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट के साथ डिड नोट और वर्ब की पहली फॉर्म, और हमारे इंटरोगेटिव में आता है डिड सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, और इसका नेगेटिव बनता है आई डिड नॉट गो टू स्कूल. डिड नॉट लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है. अगर इसको हम इंटरोगेटिव बनाएं तो हम बनाएंगे इसको डिड आई गो टू स्कूल, और लास्ट में आएगा इंटरोगेटिव साइन. सेकेंड, आई पास द एग्ज़ाम. आई मेड ए मिस्टेक. आई वॉश क्लोथ्स. राहुल टोल्ड ए लाई. ही न्यू मी. अगर इनको हम नेगेटिव में चेंज करें तो आएगा आई डिड नॉट पास द एग्ज़ाम. आई डिड नॉट मेक ए मिस्टेक. आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स. आई डिड नॉट टेल ए लाई. एंड ही डिड नॉट नो मी. आई होप नेगेटिव आपको क्लियर है. और आगे हम बनाते हैं इसका इंटरोगेशन. इंटरोगेशन में क्या आएगा, जैसे मैंने लिखा आई पास द एग्ज़ाम. डिड पहले आएगा, डिड आई पास द एग्ज़ाम. I made a mistake. Did I make a mistake? I washed clothes. Did I wash clothes? Rahul told a lie. तो यहाँ आएगा did Rahul tell a lie? He knew me. Did he know me? I hope ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी पास्ट टेंस को सीखने के लिए. और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो पास्ट इंडेफिनिट के लिए. चलो इसको शुरू सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ लिखा है आई गो टू स्कूल, अगर इसको हमने बनाना है पास्ट में तो हम यहाँ लगाएंगे आई वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म लगेगी. आई मेक ए नॉइस, तो यहाँ आएगा आई मेड ए नॉइस. आई नॉट टोल्ड ए लाई, तो यहाँ आएगा आई डिड नॉट, टोल्ड का क्या आ जाएगा यहाँ टेल ए लाई. गीता ईट एप्पल, तो यहाँ आएगा गीता एट, सेकेंड फॉर्म एट एप्पल. राम फेल इन एग्ज़ाम, तो अगर हम इसको पास्ट में बनाएं तो यहाँ आएगा राम फेल्ड इन एग्ज़ाम. नेगेटिव में बनाएं राम डिड नॉट फेल इन एग्ज़ाम. इंटरोगेशन में आएगा डिड राम फेल इन एग्ज़ाम. आई होप फ्रेंड आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है. अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे सजेस्ट करिए, और याद एक्सरसाइजेस मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा. मेरा मोटिव आपको टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, तो मेरे साथ बने रहिए और आगे भी आपको ऐसे वीडियो देता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.